मार्वल से तशरीफ लाए हैं इस्लामाबाद इमरान खान की कॉल के लिए। तो हम एक की आज़ादी और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, और हमारे साथ हमारे 20-30 लोग, हम लोग बहुत सी मुश्किल के बाद 16 घंटे हमने ट्रेवल किया है, उसके बाद इस्लामाबाद आए हैं। इन्होंने सारे रस्ते बंद किए हुए थे, हम लोग बिलबर आज़ाद कश्मीर से होते हुए श्रीनगर हाईवे वहाँ से हम लोग अपने खर्चे गए जी, अपने खर्चे गए रास्ते में, और यहाँ आगे कितना तशद्दुद हुआ रस्ते सर जी। हम लोग पहली सुबह हमने शेल खाए हैं 2 बजे फैजाबाद इंटरचेंज में, वहाँ शेल मारे, वहाँ पे उन्होंने शेलिंग की है, वहाँ लड़के थे यूथ भी थे सारे, और उसके बाद हम लोग इधर आए हैं फिर सैफुल्ला मैजी के साथ सारे काफिले के साथ। पहला काफिला मारा था, पहला काफिला जो एंटर हुआ इस्लामाबाद में हम लोग उनके साथ थे, तो वहाँ पे उन्होंने पहले शेलिंग की है बहुत ज्यादा, फिर हम लोग दोबारा मूव किया हमने पीछे बैक पे और शहर में, वहां से फिर होते हुए होते हैं हमारे साथ गवर्नर सिंह जो हैं, इमरान इस्माइल साहब और जरताज गिल और दूसरे जो हमारे निगरान हैं वो सारे फिर होते हुए हम लोग इधर पहुंचे। यहाँ आके अभी आपको अंदाजा है कि शेलिंग यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे दूर हो रही है, लेकिन आंखों में वो जलन और इतनी जहरीली गैस है वो उससे सारा पेन हो रहा है, और मेरे ये टांग पे लगे शेल जी, जब भागे हैं तब जो स्थानीय कामरान भी बेहोश हुई है, उनको उठाने के लिए हम लोग उनको तो हमारी माएँ और बहनें बेटियाँ को जो ये गवर्नमेंट जो है जुल्म कह रही है, ऐसा ना करें राणा साहब, आप पे भी ये टाइम आना है तो ख्याल करें पाकिस्तान का, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के शहरी हैं। बहुत शुक्रिया। बेटे आपका नाम क्या है? मुर्तजा को। क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, बी एस मैथ्स के। तो इधर जितने दिन इमरान खान साहब को इधर 10 दिन बैठना पड़ा तो बैठेंगे आप? जी जी 10 दिन हम 15 दिन बैठेंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे, और हम लोग वहाँ से यहाँ पे बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके आए हैं कि हमने वहाँ पे 30 दिन भी 126 दिन का धरना लास्ट टाइम जो खान साहब ने किया था, हम लोग 126 दिन यहीं पे रहे थे, हमने तब भी शेल खाए थे और हमने सारी चीजें की थी, हम लोग मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हैं, हम लोग पहले से ऑलरेडी हमारी तरबियत पॉलिटिकली बहुत जबरदस्त हुई है। तो राणा साहब अपनी आप तैयारी कर लें, और आप थक जाएंगे, हम लोग थकने वाले नहीं है।